अरविंद केजरीवाल आने वाले दिनों में देश के प्रधानमंत्री होंगे। वो कह रहे हैं कि यूपी बिहार के लोग जाने की बागड़ियों की ये पार्टी, इसलिए वो पूरे देश को बताएंगे ना। मैं तो चाहता हूँ उनके खिलाफ इस तरीके का एक FIR रजिस्टर होनी चाहिए, एक अट्रोसिटीज के खिलाफ। मनकोटिया जी जो बोल रहे हैं ना बागड़ियां, अरविंद केजरीवाल आने वाले दिनों में देश के प्रधानमंत्री होंगे। देश को नंबर वन बनाना है तो आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल को देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी कितनी सीटें लेकर आ गया? आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी जम्मू कश्मीर में। कितनी सीटें लेकर? आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी जम्मू कश्मीर में। आम आदमी पार्टी कितनी सीटें लेकर आ गया? आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी जम्मू कश्मीर में। कितनी सीटें लेकर? आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी जम्मू कश्मीर में। बीजेपी 50-60 के पार। आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी जम्मू कश्मीर में। पक्का सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। आम आदमी की सरकार होगी। आम आदमी की सरकार होगी जिसमें आप भी हिस्सेदार रहेंगे। रविंद्र रैना कहते हैं कि कोई नहीं है, उनको छोड़ दीजिए। रविंद्र रैना को छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी की बात करो। हम उनकी बात क्यों करें? आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी जम्मू कश्मीर में। आम आदमी पार्टी बनाएगी, आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। आप लोग वोट देंगे, मीडिया वाले वोट देंगे। आम आदमी पार्टी जो है वो नहीं चाहती है कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी, जब पूरा जम्मू का डोगरा एकजुट हुआ था और महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी की मांग करता, उस वक्त आम आदमी पार्टी कहां पर? जो बात कर रहे हो उस आदमी की बात कर रहे हो जो पार्टी के ऊपर, पार्टी ने इसको निष्कासित कर दिया है। इशारा किसकी तरफ है? इशारा जिसके जिसके लिए आपने सवाल पूछा। आप मीडिया के लोग हो, आप भलीभांति जानते हो किसका इशारा पूछ रहे हो। जिन लोगों को पार्टी से निष्कासित किया है मीडिया वाले वही सवाल पूछ रहे हैं। क्या लगता है कि बलवंत सिंह मनकोटिया जो है वो आम आदमी पार्टी में रहकर एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहे थे? एंटी पार्टी एक्टिविटी हो रही थी इसलिए पार्टी से बाहर निकाला है। मनकोटिया जी का कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी एक भी सीट निकालेगी तो मैं अपनी मुछें कटवा दूंगा। भाई साहब, हमारी पूरे 90 की 90 सीटें आम आदमी पार्टी इस बार लेगी। आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन, मैं हूँ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। आम आदमी पार्टी की तरफ से आज जम्मू में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया, और किस बात को लेकर वो प्रोटेस्ट किया गया है इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी के यूटी स्पोक्सपर्सन ओम प्रकाश खजूरिया साहब हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश जी, आज का जो प्रोटेस्ट था वो किस मुद्दे को लेकर? आम आदमी पार्टी का आज का जो प्रोटेस्ट था वो जो जम्मू कश्मीर के अंदर किसानों का जो पिछले काफ़ी अरसे से वो जो ट्रक्स जो हैं सेब के, लगभग 8,000 ट्रक जो सेब के लदे हुए नेशनल हाईवे में फंसे हुए हैं, सरकार की जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की गलत नीतियों की वजह से कि जब वो रोड क्लियर नहीं कर पाए। आज एक बहुमूल्य जो सेब जो पूरी देश की मंडियों तक वो सेब पहुंचना चाहिए था वो ट्रकों के अंदर सड़ रहा है। साथ ही साथ सिर्फ हम सेब की बात नहीं करते, जो ट्रक्स जो ट्रांसपोर्टर्स का पिछले लगभग 15 दिनों से जो नुकसान हो रहा है, ट्रक ड्राइवर्स का जो नुकसान हो रहा है, वहाँ पे जो हेल्पर जो असहाय होकर बैठे हुए हैं, ये सारी मानवता का जो नुकसान हो रहा है, आम आदमी पार्टी ये समझती है कि जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा जो नुकसान हो रहा है, इसलिए आम आदमी पार्टी आज सड़कों पे उतर के आई है उन ट्रक ड्राइवर्स के साथ एकजुटता शो करने के लिए और उन जो सेब के किसानों के साथ एकजुटता शो करने के लिए आज आम आदमी पार्टी सड़कों पे है। ओम प्रकाश जी, एक बात आपसे जानना चाहूंगा, जब पूरा जम्मू का डोगरा एकजुट हुआ था और महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी की मांग करता, उस वक्त आम आदमी पार्टी कहां पर? आम आदमी पार्टी उसमें लगातार प्रोटेस्ट में शामिल थी। आम आदमी पार्टी उस प्रोटेस्ट में शामिल थी। आप जो बात कर रहे हो उस आदमी की बात कर रहे हो जो पार्टी के ऊपर, पार्टी ने इसको निष्कासित कर दिया है। पार्टी निष्कासित किया जाए जो पार्टी की एंटी पार्टी एक्टिविटीज करेंगे, पार्टी के डिसिप्लिन के खिलाफ चलेंगे, चाहे देश के अंदर भूतपूर्व MLA हो। आपने देख लिया होगा पंजाब के अंदर एक मंत्री को इसी तरीके से जेल में भेज दिया गया। आम आदमी पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज बर्दाश्त नहीं करेगी। हाँ, निकलने के बाद आप कोई भी एलिगेशन लगा सकते हो। इशारा किसकी तरफ है? इशारा जिसके लिए आपने सवाल पूछा। आप मीडिया के लोग हो, आप भलीभांति जानते हो किसका इशारा पूछ रहे हो। जिन लोगों को पार्टी से निष्कासित किया है मीडिया वाले वही सवाल पूछ रहे हैं। क्या लगता है कि बलवंत सिंह मनकोटिया जो है वो आम आदमी पार्टी में रहकर एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहे थे? एंटी पार्टी एक्टिविटी हो रही थी इसलिए पार्टी से बाहर निकाला है। वो कह रहे हैं कि यूपी बिहार के लोग जाने की बागड़ियों की ये पार्टी, इसलिए वो पूरे देश को बताएंगे ना। क्या वो मुझे एक बात बताइए, ये इनह्यूमन स्टेटमेंट है क्या? देश के अंदर आप किसी को, ये मैं तो चाहता हूँ उनके खिलाफ इस तरीके का एक FIR रजिस्टर होनी चाहिए, एक अट्रोसिटीज के खिलाफ, एक इसको हम क्या, आप किसी को किसी की जात या किसी को एक पर्टिकुलर नाम देके आप उसको आपने देश में क्या उसको नीचा दिखाना चाहते हैं क्या? ये देश सभी लोगों का है, डोगरों का भी है, मराठों का भी है, पंजाबियों का भी है, उड़ीसा वालों का है, बिहारियों का भी है,
और सभी देश के नागरिक जो देश के भिन्न भिन्न प्रांतों में रहे वो देश के नागरिक है, सभी देश उनका है, हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, इसे आप इस तरीके से किसी के ऊपर नस्लवादी टिप्पणियां कर रहे हैं और आपने आपको बड़ा नेता कह रहे हैं, ये नेता नहीं हो सकते जो किसी के ऊपर नस्लवादी टिप्पणी करते हैं, नस्लवादी। इनका ये कहना था कि आम आदमी पार्टी जो है वो नहीं चाहती है कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस की आम आदमी पार्टी जम्मू के हर एक डोगरा के साथ करिए, डोगरा के इश्यूज के साथ करिए, महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के सम्मानीय है, जम्मू कश्मीर के ताज है, आम आदमी पार्टी सभी के जम्मू के अंदर मियां डीडो का भी उतना रिस्पेक्ट करती है, आम आदमी पार्टी बाबा जीतो का भी उतना रिस्पेक्ट करती है, आम आदमी पार्टी कामरेज दलमंत्री का भी उतनी रिस्पेक्ट करती है, आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के जितने हीरो रहे हैं उन सभी की रिस्पेक्ट करती है, चाहे मियां डीडो हो, चाहे बाबा जीतो हो, कामरेज धनवंतरी हो, हरि सिंह जी हो और जितने भी नलवा हो, सभी की रिस्पेक्ट करते हैं आम आदमी पार्टी जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बनाया है। बलवंत सिंह मनकोटिया का कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी की एक भी अगर लीडर आगे जीत कर आता, कोई एमएलए बनता तो मैं अपनी मुश्किल, हम कोई जवाब नहीं देंगे क्योंकि उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया, उनका सवाल का जवाब हम नहीं देंगे, उनसे जाके पूछिए। वो कह रहे हैं कि निष्कासित कर दिए गए हैं, पार्टी से निष्कासित कर दिए गए, उन्होंने अपना मर्डर खुद कर दिया जब उन्होंने नस्लवादी टिप्पणी करी, दो अपना मर्डर खुद कर दिया जब उन्होंने नस्लवादी टिप्पणी कर दी, देश के नागरिकों के ऊपर आप इस तरीके से टिप्पणियां करोगे तो अपने आपको बड़ा लीडर बनाओगे क्या? क्या आप जाति और क्या टिप्पणियां की थी आपने, आपको पता, आप मीडिया ने बता रहे, मुझे बोलने की क्या जरूरत है? आप सभी मीडिया आप बोल रहे हो ना, आपने ही तो कहा है, इसलिए आम आदमी पार्टी से निष्कासित कर दिया, उन पर कोई बात नहीं करेंगे। करंट इश्यूज पे बात करो, करंट इश्यूज पे बात करो, वो जो गया सो गया, करंट इश्यूज में बात करो, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, तो दोबारा उनको वापस भी पार्टी से निकाल दिया गया है, ऐसे लोग पार्टी में नहीं चाहिए जो देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले हों। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी कितनी सीटें लेकर आ गया? आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी जम्मू कश्मीर में, कितनी सीटें लेकर? आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी जम्मू कश्मीर में, बीजेपी 60 के पार, आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी जम्मू कश्मीर में, पक्का सरकार बनाएगी, आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, आम आदमी की सरकार होगी, आम आदमी की सरकार होगी जिसमें आप भी हिस्सेदार रहेंगे। रविंद्र रैना कहते हैं कि कोई नहीं है, उनको छोड़ दीजिए, रविंद्र रैना को छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी की बात करो, हम उनकी बात क्यों करें? आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी जम्मू कश्मीर में, आम आदमी पार्टी बनाएगी, आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, आप लोग वोट देंगे, मीडिया वाले वोट देंगे, जनमानस वोट देगा, जिन लोगों के ऊपर लाठियां बरसी है वो लोग वोट देंगे, जम्मू का किसान वोट देगा, कश्मीर का फ्रूट ग्रोअर्स वोट देगा, ट्रक ड्राइवर्स वोट देगा जिनका सरकार की नीतियों से पिछले 15 दिनों से 20 दिनों से उनकी रोजी रोटी वहां पे अटकी हुई है। यह सरकार, जिस सरकार की बात, जहां तक जम्मू कश्मीर की बात नहीं, देश के अंदर सरकार बनेगी और अरविंद केजरीवाल आने वाले दिनों में देश के प्रधानमंत्री होंगे। देश को नंबर वन बनाना है तो आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल को देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर ड्यूटी के स्पोक्स पर्सन ओम प्रकाश खजूरिया जी हमारे साथ थे और जिन्होंने कई सारी बातें जो है वो की हैं और ये कहा है बलवंत सिंह मनकोटिया जी के पार्टी के बाहर निकालने के बाद जो है वो ये भी सवाल इनसे पूछे गए हैं और तमाम सवालों के जवाब इन्होंने पूरी तफसील से दिए हैं। अब हाँ जी, जी क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ बलगुन मनकोटिया जी जो बोल रहे हैं ना बागड़िया, भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि जितने भी 25 लाख वोटर वो बाहर से आएंगे, क्या वो बागड़ी नहीं है क्या? वो कहाँ से आएंगे जो 25 लाख, क्या बेइज्जती कर रहे हैं हमारे किसी रिलीजन के को बेइज्जती कर रहे हैं? शेम इसके लिए मनकोटिया को, शेम। आप क्या चाहते हैं कि बाहर के लोग भी आने चाहिए जम्मू कश्मीर में वोट डालने के लिए? कैसे आएंगे, जैसे इनका रूह ऐसे क्या बोल रहे हैं? एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि बाहर से 25 लाख वोट यहाँ पर आएंगे, एक तरफ से मनकोटिया जी बोल रहे हैं कि यहाँ के बागड़ियों को बाहर लखनपुर से पार करो। मनकोटिया जी का कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी एक भी सीट निकालेगी तो मैं अपनी मुछें कटवा दूंगा। भाई साहब, हमारी पूरे 90 की 90 सीटें आम आदमी पार्टी इस बार लेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो गया, अब जम्मू कश्मीर के लोग तंग आ चुके हैं, गली गली में तंग आ चुके हैं। इस बार देखो स्कूलों की हालत देखो, आज 2022 चल रहा है, 15-15 किलोमीटर बच्चे पैदल जाते हैं, कोई बस की सुविधा नहीं है, स्कूल अपग्रेड करने थे, स्कूल हमारे किश्तवाड़ में, इंद्रवाल में। आम आदमी पार्टी का होगा, बीजेपी का होगा? हमारा आम आदमी पार्टी आम इंसान होगा, जो आम इंसान यहाँ पर चुनेगी वही आम आदमी, हमें बीजेपी और कांग्रेस वगैरह ये नहीं करना है, आम जनता से सेम होगा जो आम जनता चुनेगी। देखने वाली बात ये रहेगी कि आने वाले वक्त में क्या आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। आप जनता का क्या कुछ कहना है कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर जम्मू।